कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो हाथ होता है या पैर होता है उस पर थोड़ी सी चाय गिर जाती है, कभी कभी गर्म पानी गिर जाता है, तेल के छींटे आ जाते हैं, कभी कभी हम खाना बना रहे होते हैं, कुछ बॉयल करते हैं अचानक से या कुछ फ्राई कर रहे होते हैं तो छींटे आ जाते हैं, उससे हमारा थोड़ा बहुत हाथ जल जाता है या फिर इधर उधर छींटे पड़ जाते हैं। तो अचानक से हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसका क्या इलाज करें। जो थोड़ा सा जल जाता है उसकी वजह से तो तुरंत भाग के हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए उसकी एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो आप बहुत ही आसानी से घर में ही कर पाएंगे, और तुरंत जलते ही हमें क्या करना है फर्स्ट 15 मिनट में वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लगाते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जलने के लिए जो क्रीम आती है वो हम हमेशा अपनी फर्स्ट एड किट में रखें। तो आप उनको इंस्टेंटली लगा सकते हैं, जैसे कि सिल्वरएक्स ट्यूब होती है उसको आप लाकर अपने घर में हमेशा रखें, ताकि अचानक से कभी भी छोटा मोटा इस तरीके का एक्सीडेंट हो तो आप तुरंत ये ट्यूब लगा लें। तो जलने की कई सारी ट्यूब मिलती हैं, सिल्वरएक्स अगर आपको ना मिले तो आप बर्न हीट आती है वो रख सकते हैं, बर्नॉल आती है वो रख सकते हैं अपने पास। लेकिन अगर बाय चांस आपका अचानक से हाथ जल गया है और आपने कोई ट्यूब भी घर में नहीं रखी हुई है जलने की, उस केस में हमें क्या करना है वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ज़्यादा जल गया है तो उसका ट्रीटमेंट हमें घर में नहीं करना है, डॉक्टर को ही दिखाना है। लेकिन अगर छोटा मोटा जला है तो उसका हम ट्रीटमेंट घर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो तेल का छींटा या गर्म पानी या चाय कुछ भी आपके अगर हाथ पे गिर गया है तो तुरंत आप जो भी जहाँ पर घाव है उसको पानी के नीचे आपको रखना है। तो आप रनिंग टैप के नीचे रख सकते हैं, यानी नलके के नीचे आप थोड़ी देर तक हाथ को रखें, ताकि जो हाथ में या फिर जहाँ भी जला है वहाँ पे फफोला ना पड़े। और हाथों में जो जलन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जलन ना हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाथ या पैर में नहीं है बल्कि किसी ऐसी जगह पर है जो कि हम पानी के अंदर लगातार नहीं रख सकते हैं, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि कोई भी कपड़ा आप गीला कर लें और थोड़ी थोड़ी देर में उसे पानी में, ठंडे पानी में डुबा डुबा कर बार बार अपने पेट पर या जहाँ कहीं भी ऐसा गिर गया है वहाँ पर बार बार ठंडा कपड़ा लगाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो जलने से तुरंत बहुत ज़्यादा जलन होती है वो शांत हो जाती है। और हाँ, हमें एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि गलती से भी आप कभी आइस ना लगाएं। अगर आप आइस लगाएंगे तो जो जली हुई हमारी स्किन होती है उसको डैमेज होने का डर होता है। तो आप हमेशा नॉर्मल ठंडा पानी जो होता है टैप का उसका ही इस्तेमाल करें। और जब आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए उसके बाद जो मैं अभी ये नुस्खा बता रही हूँ घर में ही बनाने का, इसे आप अपने हाथों पर अप्लाई कर सकते हैं या जहाँ भी आपको चोट लग गई है यानी जल गया है वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में भी मेरी भाभी का अचानक से हाथ जल गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करें। तो मुझे लगा जैसा कि उनको बहुत जल्दी से कुछ रेमेडी की ज़रूरत थी तो आप लोगों को भी होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेमेडी शेयर करी जाए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत ज़्यादा असरदार है, तो इसे आप अपने घर में ट्राई ज़रूर करिएगा अगर कभी भी आपको कुछ दिक्कत होगी तो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई भी कोकोनट ऑयल ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑयल है, तो 2 चम्मच तेल मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा कपूर, ये नॉर्मल कपूर है पूजा वाला, जो कि बहुत ही ईजिली सबके घर में अवेलेबल होता है और हर समय अवेलेबल होता है, तो इसे आप इंस्टेंटली कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हमें ये इस तरीके से 2 गोलियां ले लेनी है और इसका हमें चूर्ण जैसा बना लेना है, यानी पाउडर बना लेना है इसका। ये जो कपूर और नारियल का तेल होता है इसका जो मिक्स होता है कई तरीके से यूज़फुल होता है, बहुत ही ज़्यादा कामगर होता है। लेकिन आज मैं आपको इसका जो यूज़ है जलने कटने में कैसे यूज़ करना है वो बता रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से कपूर को मैंने कूट लिया है और इसको अब हम नारियल तेल में मिला देंगे और इस तरीके से इसे मिला लेने के बाद इसे आपको बहुत ही हल्के हाथों से जहाँ भी आपके जला हुआ है उस पर घाव पर लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि रुई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जो रुई होती है वो जो घाव होता है उस पर चिपक सकती है। तो सिंपली आपको ये नारियल का तेल लगाना है। अगर आपके हाथ में फफोले पड़ गए हैं, वैसे अगर आपने अगर पानी के अंदर हाथ रखा हुआ था तो फफोले तो नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी फफोले वगैरह पड़ गए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन फफोलों को बिल्कुल भी फोड़ना नहीं है और बहुत ही हल्के हाथों से, जैसे कि ये लेकर बहुत ही हल्के हल्के हाथों से रब करना है और ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है एक दिन में। तो इस तरीके से इसको 2 से 3 बार आप अप्लाई करिए अपने हाथों पर या जहाँ कहीं भी आपको चोट लगी है, तो जो भी आपका घाव है 2 से 3 दिन में बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो? अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी कभी अचानक से ज़रूरत पड़े तो उन्हें पता रहे कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है।